नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग विद प्रजापति में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 2 दिन से कुछ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि कुछ कारणों की वजह से मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाले। हालांकि ट्रेडिंग मेरा चालू ही है और एक ही ट्रेड मैं डालता हूँ, जैसा कि आपको मालूम है, तो उस हिसाब से मैंने ट्रेड डाला हुआ ही है। लेकिन किसी रीज़न की वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, उसके बाद में अभी मैं थोड़ा टाइम मिला है तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें जो भी आज मैंने ट्रेड लिए थे उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और मार्केट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपने प्लेटफॉर्म पे अपन देखते हैं। तो आज का सबसे पहले तो आज के जो अपने ट्रेड थे उनके बारे में बात करेंगे। तो अपने कोटक के अकाउंट में ही चलते हैं, जो रेगुलर जिस अकाउंट में करते हैं उसी अकाउंट की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो अकाउंट है उसमें हमने ये ट्रेड लिया हुआ है फिलहाल। आज की जो ये पोजीशन थी वो मैं आपको बता देता हूँ। आज अपन ने इंडसइंड बैंक में लिया था, कॉल ऑप्शन लिया था, जो कि अपन हमेशा लेते हैं तो अच्छा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ही लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको ऑर्डर में जाके बता देता हूँ। इंडसइंड का मैंने कॉल लिया था सुबह में, मेरे को ऑफोसिस का कॉल पुट शॉर्ट करना था, लेकिन मेरा फंड नहीं था उसना, क्योंकि जो भी मेरा फंड था इसमें 1.5 लाख रुपए, उसमें से मैंने वो फंड विड्रॉल करके, मुझे विड्रॉल नहीं करके मैंने ये कुछ स्टॉक उठा लिए जिसमें इन्वेस्टमेंट में बता देता हूँ, ये वाले स्टॉक मैंने ले लिए। क्योंकि मैन इसमें मेरा अकाउंट भाटिया करके एक स्टॉक है, उसमें मैंने 50,000 48,000 का लगा दिया। ये 4-5 दिन पहले लिया है, तो अभी लगभग ये 27% अपने को रिटर्न दे रहा है। एक बार इसका चार्ट आप ज़रूर जाके देखें, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये स्टॉक मैंने कहाँ से बाई किया है। तो ये स्टॉक में मैंने पैसा डाला हुआ है और बाकी का जो कैपिटल है वो मैं अभी अपने ऑप्शन में कर रहा हूँ। तो देखिए, अभी आज अपने इंडसइंड का लिया था, उसमें कॉल बाई की थी जिसमें अपने वो कॉल में भी 1700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये 5 रुपये में कोई तो बाई की थी, और ये वाली 17 रुपये लगभग के बाई की थी, इसमें 3700 रुपये का प्रॉफिट। और एक पुट शॉर्ट की थी हमने, और ये सब लगभग 80,000 में ये सब हुआ था, एक ही साथ में ये चारों लग गया था। और ये एक हैच, इसका मार्जिन बेनिफिट जो पुट शॉर्ट की थी उसको बचाने के लिए, मुझे मार्जिन लेने के लिए ये मैंने बाई की थी, तो उसमें 100 रुपये का लॉस हो गया। तो भी इसमें ये दोनों लेग में 700 रुपये का प्रॉफिट था, बाकी का अपना ये प्रॉफिट है। और अभी मार्केट क्लोज होते होते मेरे को ये स्टॉक अच्छा लगा, वॉर्थ करके मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये वाला, तो मैंने ये स्टॉक ले लिया। क्योंकि अभी कल तो मार्केट बंद है, तो मंडे के लिए ये शायद गैप अप अगर 5% भी ऊपर खुलता है तो अपने को अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, तो उस बेसिस पे अपन ने लिया हुआ है। तो उसके लिए मैंने ये एक ट्रेड कैश में लेके गया हूँ, तो वो मंडे को अपन देखेंगे, नहीं तो इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। मार्केट क्लोज हुआ तब ये प्रॉफिट में था, लेकिन शायद अभी सेटल के टाइम में ये थोड़ा बहुत लॉस में आया, तो कोई इशू नहीं है, ऊपर नीचे जाएंगे। और अपने आज दो स्टॉक हमारे रडार में थे जिसमें दोनों ने अच्छा अच्छा मोमेंटम दिया है, तो मैं आपको अपने स्टॉक पे लेके चलता हूँ। आज जो फर्स्ट स्टॉक था वो था इंडसइंड बैंक, के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसको तो सपोर्ट से हटा देते हैं। देखो, जहाँ से भी कुछ अपने को सपोर्ट मिले या जिस किसी टूल से अगर अपने को कुछ सहायता मिलती है तो वहाँ ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि कोई इंडिकेटर काम नहीं करता, लेकिन अपने को जहाँ से फ़ायदा हो सके या फिर हमें कुछ सपोर्ट मिले या हमारे कुछ हेल्प हो सके तो ज़रूर लेनी चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ, मेरे इंडिकेटर हैं, मेरे सेटअप है, तो उसके हिसाब से मैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो सुबह में देखिए, ये मेरे को जैसे ही है, आपको आप जाके मेरा जो भी मैंने बताया उस पर भी चेक कर सकते हैं। ये जैसे ही ये रिसीव होके यहाँ पे आया ना 5 मिनट्स में, एक मिनट इसको इंडिकेटर को हटा देता हूँ मैं। हाँ, नहीं रहे।
ये देखो यहाँ पे खुला था, जैसे ही यहाँ पे आया ना तो मैंने यहाँ से कॉल में एंट्री ले ली थी, और मेरे को अच्छा खासा मेरा टारगेट उसमें मिला है यहाँ कहीं पे, ये हाँ ये वाले पे, यहाँ पे ये जैसे स्विंग निकला ना, और मेरा टारगेट एक्चुअली 70 का था, तो मैंने 65 पे ही बुक किया, 70 तक के लिए नहीं बैठा, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम था उसके वजह से मैं इसको, क्योंकि ऑप्शन बाइंग आज मेरा था 2 लाख में, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो उसके वजह से मैं बार बार इसको स्क्रीन को वॉच नहीं कर सकता मेरे को काम की वजह से, तो मैंने यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो मेरा पार्ट टाइम है, एक्चुअली मेरा दूसरा काम है, तो मैं उस काम में भी बिजी रहता हूँ, तो उसकी वजह से मैं, और इसी वजह से मैं ऑप्शन एच एच पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि एच मेरे को लेने के बाद में मैं मेरे काम में लग जाता हूँ, तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि उसमें अगर अगेंस्ट भी गया तो ज़्यादा लॉस नहीं है, लेकिन ये जहाँ आज बाइंग थी तो मैं मेरे को कंटिन्यू स्क्रीन को मॉनिटर करना पड़ रहा था, तो उसकी वजह से फिर मैंने इसको यहाँ पे निकाल दिया, मैं सोचा अभी 5 पॉइंट अपने को अच्छा प्रॉफिट तो हो रहा है, अगर 5 पॉइंट्स बैठता तो और 10,000 तक का प्रॉफिट होता, लेकिन मैं बोला मेरे को काम की वजह से मेरे टाइम मैच नहीं होता, मेरे को लगा था कि जल्दी से चला जाएगा, लेकिन उसने फिर यहाँ पे टाइम लिया ना, तो मैं यहाँ पे निकल गया था, तो वहाँ पे अपने को ये नीचे आया तो कुछ ऑप्शन में अपना कुछ लॉस ज़्यादा नहीं दिखा, डीके नहीं हुआ था, क्योंकि वो प्राइस पंपिंग था या क्या मालूम, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा इसमें नीचे आने की वजह से भी मेरे को यहाँ पे भी 6,300 कुछ तो प्रॉफिट बता रहा था, यहाँ आने पे भी 600 के लगभग 300 रुपये ही कम बता रहा, तो मैंने यहाँ एग्जिट किया यहाँ इस कैंडल पे, तो ये था, तो ये भी आपने मेरा आज का प्रॉफिट भी देख लिया, 6,300 रुपये प्रॉफिट हुआ है आज अपना, और कल मैं बैंक निफ्टी में निफ्टी का था, तो निफ्टी में भी मैंने, तो मेरे को दोपहर के बाद इतना टाइम नहीं रहता, तो मैं 1-1.5 बजे के बाद मैं मार्केट से अलग हो गया था, तो वहाँ से मैंने 2,500 रुपये का कल प्रॉफिट हुआ था, ऑल ओवर ये भी वीक अपना अच्छा ही गया है, और बाकी तो बैंक निफ्टी तो अभी बहुत ही अच्छा जा रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बैंक निफ्टी में भी अपना लेवल था, सुबह में मैंने मार्किंग किया हुआ था, वहाँ से बहुत अच्छा गया, अगर एंट्री मिलता तो मैं, अभी टेलीग्राम पे अपडेट नहीं किया था, क्योंकि ज़्यादा कुछ टेलीग्राम पे कोई लोग रिस्पॉन्स करते नहीं, लोगों को लगता है कि हाँ क्या है, तो उसके लिए मैंने फिर वहाँ पे नहीं दिया था, 2 दिन पहले एक ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे दिया था, जो आपको मैं एक बार बता देता हूँ, हाँ वो भी एक हैच ही था, ये दोनों एक्चुअली मेरे ही है, तो मैं बता देता हूँ आपको, आप अगर देखेंगे तो IRCTC का था ये, तो उसमें 5,000 कल प्रॉफिट चल रहा था, ये IRCTC का एक ऐसी था, देखो ये 0 ये वाली, उसमें कल दो एक दिन बाद ही इसमें अच्छा प्रॉफिट अपने को देखने को मिला था, ये देखिए 5,000 और 6,000 तक का प्रॉफिट था, अगर कोई होल्ड भी करके जाता है तो कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि अपने को आगे जाके ये प्रॉफिट ही देता है, हेज हमेशा अपने को मार्केट में अच्छा है, लेकिन हेज को बनाते समय थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ता है मार्केट में कितना मोमेंटम हो सकता है, तो उस हिसाब से अगर बनाएंगे, तो ये देखो IRCTC का भी अभी भी वो पोजीशन मैंने डाला हुआ ही है, तो इसमें भी प्रॉफिट दिखा रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी 2 लाख प्रॉफिट में आ गए, ये देखो 5,000, अगर ऊपर नीचे, अगर IRCTC आज थोड़ा ऊपर गया करके इस लेग में लॉस आया, देखो IRCTC में क्या हुआ वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, IRCTC देखो इतना गैप अप खुला है, तो इतना गैप अप खुलने के बाद भी कुछ उसमें अपने को प्रॉब्लम जैसी कोई बात है नहीं, और वापस नीचे आ गया, तो स्टॉक हमेशा ऊपर नीचे होता है, हाँ अपने को थोड़ा सा ध्यान रख के अगर हैचेस बनाते हैं तो हैचेस में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, बाकी तो अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में अगर ट्रेड ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपको वहाँ पर फ़ायदा होगा, और हर वीक मैं कुछ ना कुछ स्टॉक्स डालता हूँ, आप जाके देख सकते हैं, मैंने एक इंडो अमाइन बोला था अगले संडे को, शायद मेरे संडे को ही ज़्यादा कैश के स्टॉक में वीडियो बनाता हूँ, और मेरा खुद का इसमें एंट्री भी है, जो मैं खुद एंट्री लेता हूँ वही स्टॉक के बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि बाकी स्टॉक का डिस्कशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें भी अच्छा प्रॉफिट है, ये देखो अपना एंट्री यहाँ पे हुआ है मेरा, और मैंने यहाँ से 180 का लेवल दिया था कि यहाँ से बाई करेंगे, तो ये देखो लगभग 35% का मेरे को प्रॉफिट है, ये देखो एग्जैक्ट 36 बता रहा है, लेकिन यहाँ से 35% का प्रॉफिट है, तो अभी देखो कितने दिन हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 दिन में है, 9 दिन सेशन में अपने को अच्छा प्रॉफिट इसमें दिख रहा है, और एक मैंने खुद भाटिया लिया हुआ है, तो देखो ये मेरा लेवल,
आपके सामने, आप मेरा PNL जाके चेक कर सकते हैं, जो मैंने मेरा बताया ना इसमें कोटक का, और मेरा जो कैश का होल्डिंग है वो मेरा धन में है, ये धन वाले में सब कैश का होल्डिंग उसमें पड़ा है। तो ये देखो आज यहाँ पे चल रहा है, कंटिन्यू अपना एंट्री एंट्री लेने के बाद कंटिन्यू ये अपर सर्किट में ही जा रहा है। देखो ये सब एनालिसिस रहता है अपना, उसके हिसाब से ही ट्रेड ले रहे। तो मैंने ये सब ये भाटिया नहीं बताया क्योंकि ये इसमें लिक्विडिटी का इशू है, और बाई चांस कोई अगर ले भी लेता है तो फिर रिस्क रिवार्ड अगर अगर गिरता भी है तो ये स्टॉक ऐसे ही गिरते हैं। तो उसकी वजह से मैंने ये टेलीग्राम पे भी नहीं अपडेट किया, क्योंकि देखो कोई मेरे को मालूम है मेरे को कहाँ निकलना है, लेकिन अगर कोई ले लेता है बिना एनालिसिस तो उसको रिस्क है और उसका लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा अपना रिस्क के हिसाब से ट्रेड लें, जिससे कि अपने को। और अगर आप मेरा पिछला वीडियो और अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक मैंने स्टॉक दिया था SCPC, आप देख लेना एक बार पीछे जाके, जिसमें मैंने बताया कि 12 रुपये का स्टॉक अपने को अच्छा पैसा बना के दिया, 20 रुपये का स्टॉक अच्छा पैसा बना के दे सकता है। वो आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया कि ये स्टॉक, तो ये देखिए ये वही स्टॉक है SCPC, जो मैंने 18-19 रुपये यहाँ पे बोला था कि यहाँ से 20 रुपये का स्टॉक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो देखो 50% रिटर्न दे दिया, और ये कुछ नहीं है, मेरे टारगेट उसमें आपको मेरे मेरा एनालिसिस के हिसाब से लॉन्ग टर्म के टारगेट यहाँ 300 रुपये के हैं, इसमें मैंने बता दिए। लेकिन ये होल्ड टाइम बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक 30 रुपये से 300 रुपये जाना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा, 5 साल भी ले सकता है, 10 साल भी ले सकता है, 15 साल भी ले सकता है, लेकिन यहाँ पे जाने की उसकी संभावना है। लगेगा कम टाइमिंग, लेकिन मैं एग्जैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ही बताता हूँ कि जिससे कि अपने को ये नहीं रहे कि कल उठ के। ये भी मैंने ट्रेड दिया हुआ है, रूपा बताया था, मैंने खुद लिया था इसमें। तो ये ट्रेड देखो अभी वापस इसमें एंट्री मिल रही है रूपा में, तो ये अभी आने वाले दिनों में आपको ये सब टारगेट इसके अचीव होते हुए दिखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही बताना था, हम 2 दिन से नहीं आ रहा था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपके कोई डाउट्स है तो मेरे को ज़रूर पूछे, जो मेरे को आता है उसके हिसाब से मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़रा लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा बेटर लगेगा और भी मैं अच्छा, और स्टॉक को कैसे पिकिंग करते हैं, कैसे स्टॉक को पकड़ना है उसके बारे में भी मैं, अगर आपकी कुछ रिकमेंडेशन रहेगी तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।